please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के रोहतक में एक 10 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के शव को एक बैग में बंद कर नाले में फेंका गया था। हालांकि अभी बच्ची के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बच्ची के शव की हालत देखकर उसके साथ बलात्कार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बच्ची का शव कम से कम 5 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मामले की जांच में जुटी है। सूचना मिली थी एक बैग में जो टिटोली मान्य टेल पे एक नाक है, जिस तालाब में अपने स्टाफ के साथ मौके पहुंचा और जाके देखा था एक बच्ची की, छोटी बच्ची की करीब उम्र 10 साल की, नाक जो है ना एक बैग में नीले रंग के बैग में डली हुई थी, हरे रंग के बैग में, जिसको बाहर निकाला देखा लड़की है और उसका एक दाने हाथ का जो है ना जानवरों ने पंजा खाया हुआ है। हाँ, ये 5-6 दिन की पुरानी डेड बॉडी मालूम होती है और बाकी बात पोस्टमार्टम जैसी हो कार्रवाई में लाएंगे। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या बच्ची की पहचान हो पाई है? देखिए, अब से थोड़ी देर में पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और बच्ची की पहचान अभी नहीं हो सकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच शव की है डॉक्टर्स ने, उसके मुताबिक कम से कम 10 से 12 दिन पुराना ये शव है। यानी अगर कोई बच्ची के साथ घटना हुई है तो उसको करीब 12 दिन हो चुके हैं और बच्ची की लाश इस हालत में नहीं है कि उसकी कोई पहचान हो सके। उसके DNA सैंपल भी लिए जा रहे हैं और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर जितनी बच्चियां मिसिंग हैं उनकी जानकारियां जुटाकर पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार ये बच्ची कौन है। बिल्कुल मोहित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात के सूरत में मासूम से गैंगरेप के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सूरत में एक बच्ची की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची के शरीर पर चोट के 80 निशान पाए गए थे। आज कोई सिक्योर नहीं है, आज इतने छोटे बच्चों से भी रेप हो रहा है और कोई सिक्योर नहीं। घर से बाहर निकलो, कोई भी अगर कुछ होता है इतने दिनों के बाद भी अगर कुछ स्टेप ही नहीं ले सकते तो कहाँ सिक्योर है। रेप के लिए अभी तक कोई ऐसा कुछ कानून नहीं निकला कि रेपिस्ट रेप करने के पहले भी सोचे कि ना ये करूँगी तो मेरे साथ ये हो सकता है। ऐसी सजा दी जाए कि लोग एक बार देखे तो रूह कांप जाए, वापसी करने की कोई हिम्मत ही नहीं करे। चीन की सेना ने पिछले एक महीने में 35 बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने पिछले एक महीने में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा घुसपैठ की है। हालांकि ITBP के विरोध के बाद चीनी सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट आए। सूत्रों के मुताबिक चीन ने इसी महीने उत्तरी लद्दाख में सुबह 7 बजे गाड़ी के जरिए 14 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसका मुकाबला ITBP ने किया। उसके बाद चीनी सैनिक लौटे। चीन की PLA ने लद्दाख के ट्रिग हाइट में भी घुसपैठ की। मार्च में 18 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च और 30 मार्च को 2 बार 8 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक घुस आए थे। इससे पहले फरवरी के महीने में भी चीनी सेना की तरफ से LAC पार करने की बात सामने आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित, लगातार जो है चीनी सेना की तरफ से घुसपैठ जारी है जो कि चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ से उसका उल्लंघन होने की बात सामने आई है। फरवरी मार्च के महीने में काफी ज्यादा ये बढ़ गई है। हालांकि ऐसी घटनाएं होती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीनी सेना पार कर पाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की गई है फरवरी और मार्च के महीने में वो ज्यादा है। तो अब ये चिंता का विषय है और आने वाले दिनों में जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको इस फिनोमेना के लिए एक पुख्ता रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल अमित, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है और आप बता रहे हैं कि रणनीति बनाने की जरूरत है, तो ITBP को भी इस विषय में सोचना होगा। जी बिल्कुल, न केवल एक ही एजेंसी है बल्कि पूरा इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड सिस्टम जो है, जिसमें ITBP भी है, सेना भी है, खुफिया अधिकारी है, उन सारों को मिलकर एक पुख्ता रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो फरवरी और मार्च महीने में जो ये घुसपैठ हुई है, जो इनकी बढ़ती तादाद, ये जरूर चिंता का विषय है। जी अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस पर अनशन तोड़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मालीवाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस पीएम दफ्तर के इशारे पर उन्हें परेशान कर रही है और डॉक्टरों ने जबरदस्ती रिपोर्ट दी है। मालीवाल ने सीएम केजरीवाल से मदद मांगी है। स्वाति मालीवाल के अनशन का आज चौथा दिन है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से अपील करती हूँ, वो कल हमारे अनशन में भी आए थे, मैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझे किसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन दिलवाइए, इनसे मुझे बचाइए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है। वो एक मेडिकल टीम कॉन्स्टिट्यूट करें, सीनियर डॉक्टर्स की मेडिकल टीम कॉन्स्टिट्यूट करें जो मेरे पैरामीटर्स लें। इस वक्त हम राजघाट में हैं और राजघाट में स्वाति मालीवाल जो है सुबह से यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आई थी और राजघाट के अंदर पुलिस फोर्स जो है वो मेडिकल टीम के साथ खुद इलाके के जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनको यहाँ से उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेडिकल जो जांच हुई है उसमें शायद ऐसा कुछ आया नहीं जिसकी वजह से अभी उन्हें नहीं उठाया गया, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ से वापस कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स की निगरानी में जो स्वाति मालीवाल है वहाँ से आ रही हैं और मेडिटेशन साहब अपने उस अनशन स्थल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज उनका चौथा दिन है और जो मेडिकल की जो टीम है, डॉक्टरों की जो टीम है, वो लगातार रूटीन चेकअप कर रही है। उनकी किसी तरह की कोई परेशानी अगर उनको आती है तो उनको यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो है जो इलाके के डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं ताकि हर चीज़ पर नज़र रखी जा सके। और अनशन स्थल पर स्वाति मालीवाल कोशिश ये करिए कि यहाँ पर उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द सरकार कोई प्रयास करे, और यही वजह है कि अब यहाँ से वो मेडिटेशन करने के बाद बाहर आई हैं। दीपक बीस न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ब्रजेश तिवारी। ग्रेटर नोएडा के पक्षी विहार में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। बदमाश एटीएम मशीन उखाड़ कर ले जा रहे थे, पुलिस ने रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को बदमाशों के पास से एटीएम मशीन, दो तमंचे मिले हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पक्षी विहार में ये बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले जा रहे थे। जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायर कर दिया। इस बीच दो बदमाश घायल हुए हैं जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया है। पुलिस को बदमाशों के पास से एटीएम मशीन और दो तमंचे बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में 80 दिन का लेखा जोखा दिया। यूपी के डीजीपी के मुताबिक 80 दिन में राज्य में 48 अपराधी मारे गए हैं, 4410 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के डीजीपी बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने आए थे जिसमें उन्होंने 26 पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह साहब जो बुलंदशहर आए हैं एक क्राइम ब्रांच के उद्घाटन के लिए। हम उनसे बात करके जानते हैं कि उन्होंने अभी क्राइम मीटिंग ली है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं पुलिस कर्मियों को। तो सर, आपने अभी क्राइम मीटिंग ली, किस तरह के दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, ये क्राइम मीटिंग हम जगह जगह जाकर कर रहे हैं और आपको याद होगा कि हम मेरठ जोन भी गए थे, आगरा जोन गए थे, कानपुर जोन गए थे, हमने लखनऊ में भी किया। इस प्रकार का हम मीटिंग सभी लोगों के साथ कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों के साथ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली थाने के जो थानाध्यक्ष हैं, सर्किल ऑफिसर्स हैं, एसपीज़ हैं, उन सबों के साथ कर रहे हैं और हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाया जाए, किस प्रकार हमें क्राइम पे कंट्रोल करना है, अपने दुर्व्यवहार से लोगों का मन नहीं खोना है और साथ ही साथ हम लोगों की कार्य प्रणाली में एक सुधार अपेक्षित है। और यही कारण है कि बुलंदशहर में मैंने देखा और बुलंदशहर की प्रगति बहुत अच्छी है। यहाँ पे रॉबरी के केसेस में 39% की कमी आई है, डकैती में भी कमी आई है, अन्य कई ऐसे क्राइम है और कुछ ऐसे सेंसेशनल क्राइम्स हुए हैं जिसमें कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तुरंत उस पर काबू पा लिया है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं और जिस प्रकार का कठोर कार्रवाई हम अपराधियों पर कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। वो हम चाहेंगे कि हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारी एग्रेसिव पुलिसिंग है वो बरकरार रहे और लोगों के मन में इस बात की खुशी हो कि पुलिस उनके साथ है और जनमानस में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो, पर साथ ही साथ अपराधियों में खौफ हो, ये हमारा विशेष प्रयोजन रहेगा। सर, महिला अपराध संबंधित क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें एक विशेष कार्य योजना बनाए जाने की ज़रूरत है। हम जल्दी ही उसमें एक कार्य योजना बनाएंगे और हम चाहेंगे कि महिलाओं के
अपराधों के प्रति हम संवेदनशील हों और बहुत तत्परता से कार्रवाई करें। और अभी तक हम लोगों ने किया है, जितने भी हमारे अपराध हैं उसमें हमने निर्देशित किया है कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें हमारे लोकल ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो तुरंत उस पर कार्रवाई करें, मुकदमे दर्ज हों और जितनी भी विवेचना हो उसको त्वरित गति से शुरू किया जाए। सर, प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, बदमाशों की धरपकड़ जारी है, लेकिन सर फिर भी जो अपराध का ग्राफ है किस हद तक कहाँ पहुँचा है ये सर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी जो पुलिस क्रैकडाउन हो रही है वो पूरे प्रदेश में हो रही है और पिछले एक वर्ष से हो रही है, और इसमें हम लोगों ने लगभग 4,000 से अधिक अपराधियों को पकड़ा है, और उसमें ऐसे भी अपराधी हैं जो जिनके ऊपर पुरस्कार है। ये हमारी जो नीति है कि हम अपराधियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करें, वो केवल जघन्य अपराधियों के प्रति नहीं है बल्कि सामान्य अपराधियों को जिनके विरुद्ध में नॉन बेलेबल वारंट है और नॉन बेलेबल वारंट का तामिला कई वर्षों से नहीं हुआ है, उन सब अपराधियों को भी हम पकड़ पकड़ कर बंद कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अपराधियों में खौफ इस बात का है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको गई है। जहाँ तक क्रैकडाउन का सवाल है, बहुत सारे लोगों ने जमानतें निरस्त करा के अपने वो किए हैं, तो अपराधियों के प्रति हमारा एक रवैया है जो हम चाहते हैं कि अपराधियों के प्रति हम कार्रवाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामान्य निर्दोष आदमियों के प्रति नहीं रहें, उनके प्रति हम उतने ही संवेदनशील हैं। तो ये थे प्रदेश के DGP OP सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो गिर रहा है और बदमाशों की धरपकड़ जारी है। NIA की विशेष अदालत आज 2007 के मक्का मस्जिद धमाके के मामले में फैसला सुना सकती है। 18 मई 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 58 लोग घायल हो गए थे। पहले CBI इस मामले की जांच कर रही थी, बाद में 2011 में NIA को मक्का मस्जिद धमाकों की जांच सौंप दी गई थी। हैदराबाद के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी 2700 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं। ये पुजारी आज एक दलित को कंधे पर बैठाकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दलित श्रद्धालु से भगवान रंगनाथ स्वामी की पूजा करवाई जाएगी। मंदिर के पुजारियों ने दावा किया कि इससे समाज में बढ़ रही दूरियां कम होंगी। दलित बंधुओं में जो आत्मन्यूनता भाव है उनके ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए एक संदेश हम देना चाह रहे हैं। श्रद्धालु को गर्भगृह ले जाने के इस कार्यक्रम को मुनि वाहन सेवा कहते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर की पुजारी का दावा है कि 2700 साल पहले तमिलनाडु के एक मंदिर में भी ऐसा आयोजन किया गया था। लोक सारंग नाम के वैष्णव संत एक दलित को कंधे पर बैठाकर मंदिर ले गए थे। वही दलित बाद में 11वां अलवार वैष्णव संत तिरुप्पन के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे जगत गुरु प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी समतावादी थे। समतावादी बोले तो सभी जाति समान है, वैसा उनका स्फूर्ति था। पुजारियों का मानना है कि आराम की मुद्रा में मौजूद भगवान रंगनाथ स्वामी किसी दलित के हाथ से पूजा अर्चना पाने के बाद देश में शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे।